आरपी टीवी न्यूज़ की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए। बड़वानी जिले के समस्त मंडी कर्मचारी द्वारा मॉडल एक्ट के विरोध में मॉडल एक्ट हटाओ मंडी बचाओ के जमकर नारे लगाए। संवर्धन सरलीकरण अध्यादेश 2020 के विरोध स्वरूप बड़वानी में कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया गया। अपन इसके पूर्व में सभी बड़वानी कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए नवीन मॉडल एक्ट का जमकर किया विरोध। मंडी कर्मचारी नवीन मॉडल एक्ट का निरस्त कराना चाहते हैं। इस एक्ट में मंडी के बाहर सामान विक्रय होगा जिससे मंडी की आवक पूर्णता बंद हो जाएगी और कर्मचारियों को वेतन देने में काफ़ी दिक्कत तो होगी। वो किसानों के साथ भी व्यापारी धोखाधड़ी कर सकते हैं। अभी सब मंडी में होता है जिसकी जवाबदारी मंडी कर्मचारियों की रहती है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है मंडी कर्मचारियों को तो इन्होंने कहा है कि 21 तारीख को विधानसभा भोपाल का घेराव करेंगे। गुलाब शर्मा, सहायक निरीक्षक, प्रचुपंज मंडी समिति सेंधवा। आपकी ये मांगे नहीं मानी जाएगी, क्या कार्रवाई करोगे? आज हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, इसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 21 तारीख को विधानसभा भोपाल का घेराव करेंगे हम। अगर हमको रोका भी जाएगा तो हम किसी भी एनीहाउ कंडीशन में भोपाल पहुंचेंगे और हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी मांगे मनवा के रहेंगे और सब कर्मचारी एकजुट होकर हम लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। और नया अध्यादेश जो लाए हैं इससे क्या नुकसान है? नया अध्यादेश जो लाए हैं इससे नुकसान ये है कि जो उन अध्यादेश लागू किया है कि मंडी के बाहर माल बिकेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जब मंडी के बाहर माल बिकने लगेगा तो मंडी के अंदर व्यापारी क्यों लाएगा? और मंडी के अंदर जब व्यापारी नहीं लेके आएगा तो उससे कर्मचारियों को बहुत बड़ा संकट आएगा, उनकी सैलरी निकलने में तकलीफ आएगी, उनका पालन पोषण, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? श्रीमती सुनीता कृते, सहायक निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति। मैडम, क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांगे हैं कि शासन ने जो अध्यादेश जारी किया है 1 मई 2020 को, वो मतलब मंडी के हित में नहीं है और इसमें मतलब किसानों को लाभ नहीं है। और जो अगर किसान मंडी के बाहर माल बेचता है तो मतलब उनको नुकसान होना है, और मंडी के अंदर अगर लाता है तो सही भुगतान उनको मिलेगा। और इसमें अगर मंडी की आय और आवक में कमी होगी तो इससे हमारे कर्मचारियों को भी नुकसान है और उनके वेतन भत्ते वगैरह सब आर्थिक रूप से कर्मचारी बहुत परेशान होगा। और इससे किसानों को क्या हानि होगी? नए अध्यादेश में किसानों की यह हानि होगी कि उनका सही तोल भुगतान ये नहीं हो पाएगा। और इसमें मतलब व्यापारी अगर माल खरीद लेता है और अगर उसका भुगतान नहीं हुआ तो फिर मतलब इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? मंडी में अगर लाता है तो उसके हमारे सभी कर्मचारी उसका सही भुगतान और तोल करवा देते हैं। ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जिले में, मंडी में, सभी मंडियों में एक अंदाजन कितने होंगे? जो है हमारा जो संगठन है संयुक्त मोर्चा संघ भोपाल के आह्वान पर हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य कर 2020 अध्यादेश लाए हैं सरकार द्वारा। क्योंकि हमारे हम लोग जो मंडी वाले तो इससे परेशान और चिंतित हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होने वाला है किसानों का। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ मंडियों में क्या व्यवस्था थी, किसान प्रांगण में आता था, प्रतिस्पर्धात्मक उसको नीलाम के द्वारा मूल्य मिलता था, अपना वो जो है वेट करवाता था, वेट जब वो अपनी उपज की कराता था तो मंडी समिति का एक अनुज्ञप्तिधारी तुलाउकी होता था और वो हम लोग उसको सुनिश्चित करते थे कि उसका वजन सही हो। उसके पश्चात हम लोग उनको भुगतान की गारंटी देते थे कि हमारे मंडी प्रांगण में अगर आपने विक्रय किया है तो आपको भुगतान बिल्कुल उसी दिन मिलेगा और अधिकतम 3 दिन में हम दिलवाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब नए अध्यादेश में ये नियम हो गया कि अब एक पैन कार्डधारी व्यापारी कहीं भी खड़ा हो जाएगा और अपने उपज जो है किसान की उपज खरीद लेगा। अब उसमें 2-3 समस्याएं। पहली चीज, उसमें अध्यादेश में ये नहीं बताया कि उसका तोल सुनिश्चित कैसे होगा, सही कैसे होगा। उसमें ये सुनिश्चित नहीं किया है कि अगर वो व्यापारी जो है अगर उसकी उपज लेकर और अगर वो 2 से 3 दिन में अगर वो लेकर चले जाता है तो उसका भुगतान कौन कराए? क्योंकि हमारी मंडियों में तो प्रतिभूति ली जाती है व्यापारी से कि अगर वो चले भी जाएगा तो हम उसका भुगतान हमारे मंडी द्वारा कर देंगे। और इसके अलावा ये नई व्यवस्था उसमें कर दी है, हमारे तुलाउटी हम्माल उनका रोजी रोटी पूरे संकट में चले गया, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम जो है कलेक्टर कार्यालय पूछ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों के लोग कलेक्टर कार्यालय पूछ रहे हैं, हम इसमें विरोध स्वरूप ज्ञापन देंगे। और हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, अनिश्चितकालीन हड़तालें करेंगे।